सर क्या कहेंगे, जो जिस तरह से महाराष्ट्र में सब्सिडी को लेकर, पावरलूम की सब्सिडी को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने बयान दे रही थी, और उसको लेकर आज विधानसभा में रईस शेख ने, विधायक रईस शेख ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिस तरह से लड़ाई समाजवादी लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहना है? जैसे कि एक हफ्ते पहले की बात है, महाविकास अघाड़ी की सरकार ने पावर लूम के ऊपर से सब्सिडी खत्म कर दी है। तो हम लोगों ने 2 दिन पहले मीटिंग रखी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की, और उसमें ये डिसीजन हुआ कि ट्यूसडे के दिन 11 से 5 हम लोग प्रांत ऑफिस के सामने आंदोलन रखेंगे, धरना रहेगा, आंदोलन करेंगे। मगर उसके लिए कल हम लोगों ने शाम को 6 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक के हम लोग पद यात्रा किए, लोगों से मिले, वार्ड नंबर 9 में 10 में 11 में 12 में हम लोगों से मिलते गए, कॉर्नर मीटिंगें की, और हमारा मामला चलता रहा। आज सुबह हमारे आमदार अबू आसिम आजमी साहब और रईस कासम शेख साहब दोनों आदमी मिल के असेंबली का घेराव किए, तब अजीत दादा पवार ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। तो इसलिए उन्होंने फिर हमारे आमदार, दोनों आमदारों ने अपील की कि ये जो धरना आंदोलन आप ट्यूसडे को करने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दीजिए 1 हफ्ते के लिए। पावरलूम मालिकों को जो राहत का जो सिग्नल मिला है, ये इस राहत का सिग्नल मतलब ये श्रेय किसको जाता है? मतलब ऐसे भाई ये श्रेय तो आपको भी समझ में आ रहा है किसको जा रहा है, वो मुंह से बोलूं कि मुझे जा रहा है, इनको जा रहा है, मतलब नहीं ना। आपको खुद मालूम है कौन असेंबली में आवाज उठाया? नहीं, जनता जनता जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है तो सड़क पे कौन उतरा? सड़क पे कोई पार्टी एक एक स्टेटमेंट दी सब्सिडी खत्म होने के बाद? किसी की आवाज आई? स्टेटमेंट हमने दिया, रोड पे हम उतरे, असेंबली में हम आवाज उठाए, सिर्फ जनता किसको देना है? सिर्फ जनता दे। पिछले कई महीनों से जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी में सब्सिडी को लेकर अलग अलग तरीके से बयान दिए गए थे और बोला गया था कि हम लोगों ने किया है, लेकिन जब ये मामला आया तो कोई किसी का कुछ कहना नहीं है, इसके बारे में क्या कहना? साहब दो चीज़ें आप मिक्स हो रही है। पहले जो 1 हफ्ते से 1.5 महीने से चल रही है 27 HP के वाली बात, 27 HP के ऊपर वाला सब्सिडी खत्म होने वाली, उस पर बात चल रही थी। जो सेकेंड फेज हुआ 1 हफ्ता पहले, वो पूरी सब्सिडी खत्म कर दी गई पावरलूम सेक्टर पे, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि सब्सिडी पे सिर्फ रोक लगा दी गई, खत्म नहीं की गई, उन्होंने इस तरह से बयानबाजी की। तो हम भी 4-5 दिन बैठे थे, मगर जब लोगों पास पावरलूम की बिल आ गई, जब बिल आ गई और भरने के लिए आह्वान होने लगा पावर बिल कंपनी की तरफ से, तब हम निकले सड़कों पर। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो क्या करेंगे आप? हम लोग धरना आंदोलन करेंगे, हम लोग असेंबली का घेराव करेंगे, भिवंडी का मिलकर सब बॉम्बे जाएंगे। नहीं तो अभी भिवंडी की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या राहत राहत देना चाहते हैं? हम ये भिवंडी की जनता को कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे डिप्टी CM अजीत दादा पवार ने 7 दिन का टाइम मांगा है और 7 दिन के अंदर वो सब्सिडी वापस लाएंगे, इसलिए 1 हफ्ता वेट करिए, नहीं तो चल के हम लोग मुंबई असेंबली में विधानसभा को घेराव करेंगे। मतलब ये है कि कल का जो आपका प्रस्तावित जो धरना मोर्चा है वो आप रद्द करेंगे? इसका ये हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारा मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ हम पोस्टपोन कर रहे हैं उनके कहने पर, हमारे डिप्टी CM के कहने पर 1 हफ्ता। सभी पार्टियां अपना अपना कॉलर टाइट कर रही हैं, क्या सारी पार्टियां मिलकर इस मुद्दे पर एक साथ होकर लड़ नहीं सकती हैं? आपके तरफ से कोई पहल की गई है? भाई जब से सब्सिडी खत्म हुई किस पार्टी ने आवाज उठाई बताइए ना, कहां लड़ रही है आप बताइए? लड़ने की बात नहीं, अपना अपना कॉलर टाइट कर रही है। कैसे कॉलर टाइट? 1 हफ्ते में तो किसी ने बयान ही नहीं दिया इस मुद्दे पे। आप सिंगल बयान किसी पार्टी का बता दीजिए जब से सब्सिडी खत्म हुई और पार्टी ने कोई बयान दिया हो। सबसे पहले बयान हमारा है, सबसे पहले हम लोग सड़कों पर उतरे, सबसे पहले हम असेंबली में आवाज उठाए, कुछ किसी एक बयान बता दीजिए आप। ठीक है, थैंक यू।